नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आप देख रहे हैं ओटी टेक गाइड चैनल। आज है 24 अप्रैल 2023 और मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एम्स ने फिर से 46 ओटी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है। ये आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पीडीएफ नहीं मिलती है। तो उसका प्रोसेस भी जानेंगे ताकि आप फ्यूचर में अपने आप ही ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकें। ओवरऑल अगर हम ओटी टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इट मीन कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी बीएससी वालों के लिए जिन्होंने बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की है, और जिन्होंने बीएससी नहीं की है उनको 12th साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरियाज ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी, मैनिफोल्ड रूम्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ कैंडिडेट हैज वर्क इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 500 बेड। ओवरऑल एलिजिबिलिटी सेम है जो पहले थी वही अब है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो फॉर अनरिजर्व एज लिमिट है 30, और जो बाकी सभी हैं उनके लिए अलग अलग है एज रिलैक्सेशन। टोटल 46 सीट्स आई हैं, 28 हैं अनरिजर्व के लिए, 5 हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 5 है एससी के लिए और 8 है एसटी के। इसमें एक यूआर और एक एसटी की जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। एग्जामिनेशन का मोड रहने वाला है सीबीटी जैसे कि हुआ था, वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये है, एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 रुपये है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फ्री है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर। अगर हम बाकी पोस्ट की बात करें तो देखिए, ये मैं सिर्फ नाम नाम पढ़ दूंगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। इस पीडीएफ का डायरेक्टली डाउनलोड करने वाला लिंक अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप दोनों में से किसी भी जगह जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके थॉरली रीड कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और बाकी सभी डिटेल्स। ये 48 पोस्ट एम्स के द्वारा निकाली गई हैं। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा है, लेकिन जो उनकी एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो सभी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके डीपली इसको पढ़ लीजिएगा। सीनियर बायोकेमिस्ट, सीनियर केमिस्ट, सीनियर टेक्निकल एडिटर, बायोकेमिस्ट, केमिस्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिजिसिस्ट, वेलफेयर ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, पेरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, डोर ऑर्गेनाइजर, वोकेशनल काउंसलर, असिस्टेंट डाइटिशियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइफगार्ड, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, परफ्यूजनिस्ट, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट ENT, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर फोटोग्राफर, मेडिकल न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, रिसेप्शनिस्ट, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, मल्टीपर्पज वर्कर, स्टीनोग्राफर, वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लाइब्रेरी गार्ड, मैकेनिक,
सिक्योरिटी कम फायर गार्ड ग्रेड सेकंड, वर्कशॉप असिस्टेंट। अब हम जानते हैं कि आप किस तरीके से ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना होता है गूगल पे और फिर आपको सर्च करना होता है एम्स। जब आप एम्स सर्च करते हैं तो दो वेबसाइट्स आती हैं, एक तो होती है एम्स एग्जाम एसी करके। ये एम्स एग्जाम वो है कि जब आपने फॉर्म भर लिया है उसके बाद आपको अपडेट्स लेना है कि क्या चल रहा है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, तो वो सारी चीजें हमें एम्स एग्जाम वाली वेबसाइट पर मिलती हैं। यदि हम बात करें कि हम रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट कहाँ आती, तो वो एम्स की मेन वेबसाइट पर आती है जो कि है ये वाली aims.edu। हम इस पे क्लिक करेंगे, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट मेन वेबसाइट कुछ ऐसी नजर आती है। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको जाना है सबसे ऊपर नोटिस वाले सेक्शन में। नोटिस वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्रूटमेंट का, और रिक्रूटमेंट के बाद आपको जाना होता है एम्स रिक्रूटमेंट में। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे इनकी सभी एडवर्टीजमेंट्स होंगी। इस वक्त एम्स की वेबसाइट स्लो चल रही है काफी, हो सकता है बहुत सारे पब्लिक एम्स का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आई होगी मेरी तरह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी टाइम लिया वेबसाइट ने और ये सारी एडवर्टीजमेंट आ रखी है। अब होता क्या है, कायदे से वो ऊपर आनी चाहिए, लेकिन एम्स वालों का थोड़ा अलग सिस्टम है। ये जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं सबसे नीचे शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 24 तारीख है, एक ये नोटिफिकेशन आया है, फिर 20 तारीख आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, कैसे आ गई, पर कोई बात नहीं। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे 24 तारीख का एक और नोटिफिकेशन आया है, और इस वाली नोटिफिकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तब ये वाली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया है। एम्स की वेबसाइट काफी स्लो चल रही है, तो यहाँ पे आपको आना है। जब ये पेज खुल जाएगा आपको यहाँ पे आना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, या आप फिर से चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ग्रुप ए बी एंड सी न्यू दिल्ली एंड झज्जर, और यहाँ पे डेट देख सकते हैं। और ये डाउनलोडिंग पे क्लिक किया तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए ये बता रहा है, और ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।